अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैपेचिनो कॉफ़ी की रेसिपी, जो कि हम इंस्टेंट बना कर तैयार करेंगे। ना ही किसी मशीन की ज़रूरत है और ना ही आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, घंटों फेंटने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट कॉफ़ी बना के रेडी करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इस कॉफ़ी। इंस्टेंट कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं जो अच्छा ब्रांड हो। यहाँ पे मैंने शुगर ली है इसके लिए, चीनी और कॉफ़ी की ज़रूरत है हमें। इसके साथ ही हम यहाँ एक ग्लास ले रहे हैं, इस ग्लास में हम इसे बनाएंगे। और दूध मैंने लिया है, एक कप दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से गर्म करके दूध लेंगे। यहाँ पे दो छोटी चम्मच, दो टीस्पून मैं चीनी ले रही हूँ और दो टीस्पून ही ले रहे हैं हम यहाँ पे कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर जितना आप लेंगे उतनी ही आप शुगर लें। यहाँ पे मैं एक कप कॉफ़ी की रेसिपी दे रही हूँ आपको। ये देखिए, ये एक टीस्पून ले लिया मैंने कॉफ़ी पाउडर, एक टीस्पून और ले लिया। दो टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लेना है, दो टीस्पून ही आपको शुगर लेना है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे एकदम खौलता हुआ, एकदम बॉइलिंग मिल्क लेना है आपको यहाँ पे। ये मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है एक कप मिल्क को। यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बचा दूँगी, तो वो दूध हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे बीटर ले लेंगे, या आप कोई स्पून की जगह पे आप फोक लें, फोक से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक विस्कर ले रही हूँ और इसकी हेल्प से हम इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए बीट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट आपको इसे बीट करना है। तो आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहे तो जिस तरह से दूध को बिलोते हैं हाथों के बीच में, उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर झाग बनने शुरू हो जाएंगे और ये कॉफ़ी जो है गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी एक इंस्टेंट कैपेचिनो कॉफ़ी बन के तैयार होगी इससे। तो अगर आपके पास ये विस्कर नहीं है तो आप फोक की हेल्प से कर सकते हैं। फोक से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है और इसे आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें झाग बनने शुरू हो गए हैं। तो ये हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह से विस्क कर लिया है और अब इसको हम 1 मिनट के लिए और कर लेते हैं। और 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे इसमें अच्छे खासे झाग बनने शुरू हो जाएंगे और इससे ज़्यादा हमारे हाथ भी नहीं थकेंगे और इंस्टेंट कॉफ़ी हमारी कैपेचिनो बन के रेडी हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा और इसको हम इस तरह से विस्क कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये हमारी इंस्टेंट कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है। इसमें काफ़ी सारे झाग फॉर्म हो गए हैं, इस तरह से ये बहुत ही गाढ़ी हो गई है और झाग भी बन गए हैं इसमें। तो ये हमारी इंस्टेंट कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है। आप झाग देख रहे हैं, कितने अच्छे झाग बने हुए हैं इसमें। तो ये हमारी झाग वाली कैपेचिनो कॉफ़ी रेडी हो गई है। मैं इसे थोड़ा सा और कर लेती हूँ विस्क, जिससे इसमें थोड़े से बबल्स और बन जाए। तो मैंने इसको तकरीबन 1/2 मिनट के लिए और विस्क कर लिया। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो हमने कॉफ़ी ली थी बिल्कुल 1/2 ग्लास था, अब ये ऊपर तक झाग इसके भर गए हैं। अब हम इस कॉफ़ी को एक कप के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी एकदम गाढ़ी गाढ़ी कैपेचिनो कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। मैंने जो दूध बचा के रखा था उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, तो अब वो दूध हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और ये देखिए, झाग जो है वो नीचे रह गए हैं। तो पहले मैं यहाँ पे दूध ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो झाग है उनको भी इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। तो बस इसमें थोड़ा सा दूध हमने ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो झाग है हमारे पास कप के अंदर, गिलास के अंदर, वो झाग हम कॉफ़ी के ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी झाग वाली इंस्टेंट कैपेचिनो कॉफ़ी बन के रेडी हो जाएगी। इसमें आपका हाथ भी नहीं थकेगा, आपको किसी मिक्सी की या बीटर की किसी की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप हाथ से ही इसे विस्क करके बना सकते हैं और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो सारे झाग हम इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर या कोको पाउडर, वो आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, जिससे ये बिल्कुल मार्केट जैसी कॉफ़ी दिखने में लगेगी। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारी कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कितने ज़बरदस्त झाग बने हुए हैं। हम एक स्पून लेंगे और उससे हम आपको दिखाते हैं ये झाग कितने अच्छे बने हुए हैं इसके अंदर। ये देखिए, तो इस तरह से आप 2 मिनट के अंदर ये कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी कैपेचिनो कॉफ़ी, और वो भी बिना घंटों से फेटे या बिना किसी इलेक्ट्रिक हीटर के। आप घर में इसे बना के
रेडी कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।